अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो आज बन रहे हैं झटपट ज़ीरे वाले आलू। तो जब मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है और काम में मसरूफ़ होती हूँ तब मैं बना लेती हूँ ये झटपट आलू। मुझे भी पसंद है, वकास को भी पसंद है। तो ये मैंने हाफ के जी आलू लेने के बाद इन्हें छील लिया। छीलने के बाद, धोने के बाद इन्हें मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया। और ये मुझे चाहिए होगा ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, नमक, ये नतब और ये हल्दी, और ये मुझे एक टमाटर और दो तीन हरी मिर्चें, और इसके अलावा दो तीन टेबल स्पून ऑयल चाहिए और ये पतीली चाहिए। सबसे पहले मैं इसको चॉप कर लेती हूँ और पतीली में डाल लेती हूँ 3 to 4 टेबल स्पून भर के ऑयल, और इनको भी बारीक बारीक लंबाई में काट लूँगी। तो देखिएगा, ये टमाटर और हरी मिर्चें कट कर ली हैं। पतीली में मैंने शामिल कर दिया है 3 to 4 टेबल स्पून भर के ऑयल, और अब जाएगा 1 टेबल स्पून या टीस्पून आप डाल लें ज़ीरा। मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी क्योंकि मुझे ज़ीरा अच्छा लगता है और ये ज़ीरे वाले आलू हैं। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं, जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ज़ीरा तो मैं इसमें शामिल करूँगी कटे हुए आलू। इनको मैंने धो के अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद रख दिया है। अब ज़ीरा फ्राई हो चुका है, मैं इसमें साथ ही डालूंगी हरी मिर्चें ताकि ये भी थोड़ी सी फ्राई हो जाए। और साथ ही जाएंगे इसमें ये आलू। वन टीस्पून या सॉल्ट टू टेस्ट है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। पिंच ऑफ जाएगी हल्दी। और ये कटे हुए टमाटर। सब चीज़ों को साथ डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके बस इसको मैं कवर करके रख दूँगी। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर देती हूँ। आपने देखा होगा मैंने कुटी हुई लाल मिर्च कम डाली है। मैंने इसलिए कम डाली है क्योंकि इस बार जो मिर्च आई है ना वो बहुत तेज़ आई है, हमेशा तेज़ हो जाती है। और ये वही मिर्च है जो आप सच्ची बात कभी करें ना तो किसी को लगती है, और कहाँ लगती है ये तो आप समझ ही गए होंगे, ये वही मिर्च है, उतनी ही तेज़ है बस। कवर किए हुए 2 मिनट गुजर गए हैं, तो अब 2 मिनट बाद में इनको मैंने बस इस तरीके से थोड़ा सा घुमाया और इनको पागल किया। पागल करने के बाद मैं दोबारा से कवर कर दूंगी ताकि आलू गल जाएं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा और पानी डालना भी नहीं, और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अब मैं इसकी जो आँच है वो कम कर दूँगी। सो फाइनली गाइस, ये ज़ीरे वाले आलू डन हो चुके हैं। और ये देखें कितने अच्छे से, थोड़ी सी ग्रेवी भी है इसमें टमाटर और मिर्चों की वजह से। बस मैं इसका चूल्हा बंद करती हूँ और मैं आपको पिक्चर में इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी डिश आउट करते हुए। सो गाइस देखें, ये झटपट आलू तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये ज़ीरे वाले आलू। बस जल्दी से बनाएँ और जल्दी से खाएँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।